और धरती से गगन तक मधुमुरी मेरे पिया गए तो कहा गए। वाह 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 मेरे सेठ।
यहाँ कोई द्वारपाल है? हाँ द्वारपाल है। हमारी ससुर दशकंदर से कह दो कि आपकी पुत्र वधु सलोचना दरबार में आना चाहती है। ठीक है महाराज। जय शंकर की। जय शंकर की। महाराज आपकी पुत्र वधु सुलोचना दरबार में आना चाहती है। क्या कहा? हमारी पुत्र वधु सुलोचना जी महाराज आदर के साथ दरबार में बुला के लाइए। ठीक है महाराज। पिताजी के चरणों में सुलोचना का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटी सुलोचना, खुश रहो बेटी, घबराते नहीं है। पिताजी तुम्हें बार बार समझाया लेकिन आपने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं मानी और आप ही की हट के कारण आज मुझे ये दिन देखने को मिला है पिताजी। और पिताजी मेरी तेरी बंदना और पिताजी मेरी तेरी बंदना फूटी मेरी ताके जी हो परिपन से जाके सिया चोराई और कोटिम का दिया नासी कराई। देखो 10-20 मिनट की लीला है, थोड़ा ध्यान रखो इस बात का, ऐसे हुल्लड़ दे के नहीं, आराम से बैठ जाओ 10-20 मिनट और। लीला देखने आते हो तो संभल के देखो, ठीक है? ये बात अच्छी नहीं है आपकी। कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके बच्चे, भगवान की लीला चल रही है। अरे देखो 10-20 मिनट की और है, आइए देखने तो बैठ के देखो सही तरीका से। चलो बैठ जाओ भैया, सभी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। चलो हर पति मेरे गए राम से लड़ने पति को मावा है लक्ष्य लड़ने जी हो पति को मारा है लक्ष्य मरने हर पति के संग जाऊंगी मरने
संगी जाऊंगी मरने पिताजी, मेरे पति का शीश रामाधल में है, आप मेरे पति का शीश मांग करके ला दो। बेटी बेटी क्यों रोती हो, क्या करना नदी बहाई है, तुम तो उस प्रिय की पत्नी हो जिसने वीरगत पाई है, बेटे का बदला लेने को मैं अभी सबर को जाता हूँ, एक चीज के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। नहीं पिताजी नहीं, मैं लाखों शीशों का क्या करूंगी, मुझे तो केवल मेरे पति का शीश चाहिए, मेरे पति का। और श्री महाराज ये बेटी तो का क्या होगा, निज पति का शीश चाहती है, लाखों शीशों
पिताजी एक मेरी आपसे प्रार्थना है। क्या है बेटी? अरे प्राण नाथ रण में मारे निके दी जो शीश मंगाए, पिताजी ने के दी जो शीश मंगाए। नहीं जा सकती, आपका कोई योद्धा नहीं जा सकता रामा दल के लिए। बेटी सुलोचना, तुम्हें आपसे विनती करती हूँ, मैं अब इस लंका में नहीं रह सकती, मुझे अपने पति के साथ में सती होना है, मुझे आज्ञा दे दो, मैं स्वयं ही चली जाऊंगी। बेटी सुलोचना कहो पिता, तुस मन के आगे सर झुकाए, ये रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना है मंजूर मगर झुकना है। ठीक है पिताजी, मैं अपनी आप जा सकती हो बेटी। ठीक है, अब मुझे अपनी सासू माँ के आंगन में चलना चाहिए, उनसे मैं विनय करूंगी कि मेरे पति की शीश को मंगवा दे, नहीं तो मैं स्वयं ही जाऊंगी। हे विधाता, तूने ये क्या कर दिया बना के। सम्मानित श्रोताओं, ये 10 रुपए श्रीमान भाई साहब रामभूप सिंह सरोप श्री स्वर्गीय किताब सिंह कॉलेज वाले घेर, और 10 रुपए श्रीमान दीपांशु सरोप श्री केहरपाल सिंह कॉलेज वाले घेर, और 10 रुपए श्री जीतू सरोप श्री केहरपाल सिंह कॉलेज वाले घेर। यानी सभी साहबान इस सुलोचना सती के करुण क्रंदन पर प्रभावित होकर हम क्लब में दान देते हैं। हम भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हरि बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले क्यों बिगाड़ा।